नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। गुमला लोहरदगा में पारा 2 डिग्री पर रहा। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री और गिरेगा। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। यहां कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंच गया है। शनिवार को काके में पारा 4 डिग्री रहा, वहीं मैकलुस्कीगंज में ये 3 डिग्री पर रहा। इसके अतिरिक्त गुमला लोहरदगा में भी पारा 2 डिग्री पर रहा। रांची शहर का तापमान भी 8 से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से उत्तर दिशा से सर्द हवा का बहाव तेज होने से राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि, सराय केला, खरसावा और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे में 3 से 4 डिग्री तक पारा गिरने का अनुमान बताया है और कहा है कि अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा। विशेषकर राज्य के दक्षिण भाग में उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं के चलते तेजी से पारा लुढ़क रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरा उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में रविवार को इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। दिन का औसत और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को ठिठुरन भारी ठंड के साथ दिन में शीतलहर चलेगी और अगले 2 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आप लोगों को रहना है। प्रशासन को चाहिए कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करें। फिलहाल आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।